हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी गोली, जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आती है। और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आइए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इमली को 2 से 3 घंटे तक 1 कप पानी में डिप करके रखा है। ये देखिए, इमली अच्छे से फूल चुकी है। पानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, 1 कप पानी सफिशेंट है इसमें। 2 गुड़ लिया है मैंने, 2 पीढ़िया गुड़ लिया है। चम्मच अजवाइन लिया है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/4 चम्मच मैंने हींग ली है, काला नमक लिया है जो कि एज पर टेस्ट रहेगा, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर ली है, इमलियों को कोट करने के लिए मैंने पाउडर शुगर ली है, 1/2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। इमली को हम 2 तरीके से बनाएंगे। हम बनाएंगे इमली का लॉलीपॉप और गोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ट्रांसपेरेंट शीट ली है, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। आइसक्रीम स्टिक ली है और एक टेप लिया है इसको रोल करने के लिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इमली को छान लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और एक मोटी छलनी वाला छलना लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे इमली को। और इसे हम इस तरीके से रगड़ते हुए, मैश करते हुए छानेंगे, ताकि इसका पल्प अलग हो जाए, साथ ही इसके बीज और रेशे अलग हो जाएं। इस तरीके से रगड़ते हुए इसके पल्प को हम निकाल लेंगे। इमली को इस तरीके से रगड़ते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसके रेशे और सारे बीज अलग हो चुके हैं। ये देखिए, ये इमली का पल्प अलग हो चुका है और एक गाढ़ा पल्प हमें मिल गया है। तो हमारा इमली का पल्प तैयार है। और अब हम सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को रोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें हम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। डालते हैं जीरा, साथ ही ऐड कर लेंगे अजवाइन और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 1/2 से 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। मसालों को मैंने 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है और मसालों के भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं, इससे ज़्यादा तो इसे हम नहीं रोस्ट करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे हींग, मिक्स कर लेंगे इसे। और अब हम मसालों को हल्का ठंडा होने पर मिक्सर में या खल में दरदरा कूट लेंगे। तो मसालों को मैंने खल में दरदरा कूट लिया है, ये देखिए। और साथ ही मैंने पैन को रख लिया है दोबारा से गर्म होने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। तो मैंने सारा इमली का पल्प निकाल लिया है
और अब इसमें हम डालेंगे गुड़, इसे हाथ से इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करना है। देख सकते हैं कि गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। हम इसे इस तरीके से चलाते हुए तब तक पका लेंगे जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इसे पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है, साथ ही जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है ये। और आप देख सकते हैं इसमें तार बन रहा है, ये देखिए। इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे, गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। ये ठंडा होने पर अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें हम डालेंगे काला नमक जो कि एज पर टेस्ट रहेगा। साथ ही ऐड कर लेंगे काली मिर्च पाउडर, भुने हुए मसाले और साथ ही ऐड कर लेंगे आधा चम्मच देसी घी। और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम। जैसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब इसके हम गोलियां बना लेंगे। 1 घंटा हो चुका है और हमारा मिश्रण पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ये पूरी तरीके से कड़ा भी हो चुका है, ये देखिए। अब हम हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तरीके से इसे हम शुगर पाउडर में डालेंगे। इस तरीके से हम सारी गोलियां बना लेते हैं, छोटी या बड़ी आपको जिस साइज की चाहिए आप इसके बना सकते हैं। अगर ठंडा होने के बाद आपका मिश्रण गाढ़ा नहीं होता है तो आप इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए पका सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी गोलियां बनाएंगे अपनी। तो मैंने आधे मिश्रण की गोलियां बना ली हैं और इन्हें मैंने शुगर पाउडर में अच्छे से कोट कर लिया है, और हम बाकी मिश्रण से लॉलीपॉप बनाएंगे। तो आइसक्रीम स्टिक पे इसे हम कोट करेंगे। पहले इसे हम इस तरीके से रोल करेंगे। हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे, चपटा कर लेंगे। हाथ में थोड़ा घी लगा लेंगे और अब इसे हम आइसक्रीम स्टिक पे इस तरीके से रोल करेंगे। इसे इस तरीके से फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसे भी हम शुगर पाउडर में कोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारे लॉलीपॉप्स बना लेंगे अपने। तो मैंने सारे लॉलीपॉप्स भी बना के तैयार कर लिए हैं और इन्हें भी शुगर पाउडर से अच्छी तरीके से कोट कर लिया है, और अब इसे हम प्लास्टिक शीट में रैप कर लेंगे इस तरीके से। और इसे हम लगा लेंगे कलरफुल टेप्स।
सेम लगा लेंगे टेप इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से हम सारे लॉलीपॉप्स को रैप कर लेते हैं प्लास्टिक शीट से। तो मैंने सारी गोलियां और लॉलीपॉप्स बना के तैयार कर लिए हैं और इन्हें सर्व भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इमली की खट्टी मीठी गोली और लॉलीपॉप्स बन के तैयार हैं। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में शुगर पाउडर डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और ये हमारे हाजमे के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। ये कब्ज को और गैस को दूर करती हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।